कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन को लेकर राज्यों में भी रणनीति बनाई गई है। जयपुर में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सिविल लाइन्स फाटक पर प्रदर्शन कर राजभवन का घेराव किया जा रहा है। इस दौरान राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। सिविल लाइन्स फाटक पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार उन्नति कर रहे थे, लेकिन पिछले 8 साल में जो कुछ हुआ, चाहे मौसम की कैसी भी विषम स्थिति हो, हम मिल करके एकजुट होकर के अपनी आवाज को राहुल गांधी की आवाज। बनता है तिरंगा। अब आप क्या कर रहे हो तिरंगे के लिए? तिरंगा हर साइज में, अरे नियम कायदे कानून को मानो। घर घर में आपको आज मैं जावेद सिंह कह रहा हूं, और ये बात गलत है तो या तो बीजेपी के नेता संन्यास ले ले, मायने आ जाओ, गीला हो जाए तो मजा नहीं होता ना। एक तो काम ठीक हो गयो, ये जब से बरसात होती है हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, उस दिन हम तिरंगा रैली निकाल रहे थे तो मुझे दूसरे दिन बोला, माने तो मजा आ गयो, मैं हर बार बरसात नहीं कर देता ताने मजा आई। भले कांग्रेस के कार्यकर्ता की नीयत कितनी अच्छी है, और मैं सब कह रहा हूं ये सावन का महीना चल रहा है, और इस सावन के महीने में भोलेनाथ कौन? भोलेनाथ वो जब रावण को मारने के लिए भगवान राम गए तो किसकी पूजा की? भगवान राम ने, बोलो, भगवान राम ने भोलेनाथ की पूजा की, और भोलेनाथ महादेव का आशीर्वाद लेकर भगवान राम रावण को मारने के लिए गए। ये भगवान राम का नाम तो लेते हैं बीजेपी वाले, मानो बात बोली बिल्कुल ही राम जी की। राम जी का विरोधी है, बदमाश, बहुत ही बदमाश है। कोई ने हाथ जोड़ तो जाने ही, वहां दिल्ली में मैंने देखा, आपका कितना भी बड़ा लीडर हो उसको गिरफ्तार कर लेना, धक्के मार देना, झगड़ा कर देना, अब आप तय कर लेना। अब बीजेपी ने आटे पर टैक्स लगाया है 50 करोड़, वो इस देश में 50 करोड़ लोग इस देश में रोज आटा खरीदते हैं, और रोज आटा खरीद कर घर पर लेकर जाते हैं, उसके बाद रोटी बनती है। आज आटे की व्यवस्था कितने की, रोटी की व्यवस्था कितने की, बताओ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो इस देश में पहली योजना लेकर आया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिस योजना के लिए, जिस नरेगा के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस नरेगा की जो इमारत है इसकी आन बान शान से मैं विदाई करूंगा। मोदी जी आप नरेगा नहीं हटा सकते, क्योंकि वो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को मानते थे। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के टाइम पर नरेगा लगी, आज गांव में एक एक माँ बहन बेटी भाई को रोजगार मिलता है, 250, 300, 400 रुपए मिलते हैं, तब उसके यहाँ रोटी बनती है। 50 करोड़ लोग रोज आटा खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं। आपने उन 50 करोड़ लोगों के मुंह में हाथ डालकर रोटी छीन ली, आपको क्या हक है? जो लोग पापी होते हैं उनको सामने वालों की आंख का पानी नजर नहीं आता, और अब आप सब मुद्दों पर पर्दा डालना चाहते हैं, ये तय कर लेना। 15 अगस्त को देश का हर नागरिक तिरंगा लगाता है, हर गली मोहल्ले चौराहे पर तिरंगा लेकर खड़े रहते हैं, लोग शान से अपनी गाड़ी के आगे भी तिरंगा लगाते हैं। तिरंगा हमारा हक है, लेकिन तिरंगा अभियान की आड़ में बीजेपी ये समझे कि आटा दाल चावल पर टैक्स लगाकर, पेट्रोल डीजल को महंगा करके, महंगाई और बेरोजगारी के कारण जिन लोगों ने आत्महत्या की, जिनके परिवार उधर गए, जो लोग खून के आंसू हो रहे हैं, उनके आंसुओं पर पर्दा डाल देगी बीजेपी, पर्दा नहीं डाल पाएगी। पर हमारी जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस के लोगों ने तय कर लेना। राजस्थान में 12 लाख लोगों को पेंशन मिलती है, और 750, 1250, 1500 बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, 12 लाख परिवारों में पेंशन जाने का मतलब है लगभग 45 करोड़ लोगों तक सरकार का पैसा जा रहा है। अभी हमने 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, चिरंजीवी योजना में प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री कर दिया, और एसएमएस में जाओ या राजस्थान के किसी सरकारी अस्पताल में जाओ,
एमआरआई के 3,000 या 5,000 रुपए नहीं लगते, सिटी स्कैन के पैसे नहीं लगते, फ्री में इलाज होता है। हम लोगों को भूख से बचाना चाहते हैं और मोदी सरकार लोगों को भूख से मारना चाहती है। हमारे पास इस देश में दो सरकारें, आप जानते हैं, राजस्थान में सरकार है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस, दो सरकारें बची है। बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, घरों घर संभाल लें, मुक्त मार देंगे, है कहीं धारगन और कितना बड़ा थे सूरमाओं में जानू, कितना ने मार लिया। सबसे पहले भागने में मारती आरएसएस और बीजेपी वाले। मैंने जयपुर में दंगे बहुत देखे, हर दंगे में बाद में पता चला कॉम्प्रोमाइज हो जाता है शाम को उठाने में, कहीं हो अरे भाई साहब मैं आरएसएस और आया बार गुड़े कराए भाग गया, शाम का कहीं हो शाम को पुलिस वाला आया दुनिया ने गले मिलाया और बेबी नहीं आपके घर आके, अब कहीं और शांति होगी। ये बयानवीर है, अभी इनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है, मुझे बीजेपी के नेताओं को इतना घमंड हो गया। मैंने कहा यहाँ से आते खा गया मैं शर्म को लिया, मुझे यहाँ के प्रदेश के बीजेपी के नेता कहते हैं आटे पर टैक्स गलत लगाया है, बीजेपी के नेताओं में हिम्मत है आटे पर टैक्स गलत लगाया है? बिल्कुल हिम्मत नहीं है। कांग्रेस की सरकार में कोई गलती होगी तो चाहे डोटासरा जी बोले, चाहे मैं बोलू, चाहे कोई और बोले, कोई ना कोई बोलता है, ये डेमोक्रेसी। ऐसा तो ना हम बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं और ये अपने मामा जी से डरते हैं, मामा जी ने आटे पर टैक्स लगा दिया। हिंदुस्तान का एक भी बीजेपी का नक्शा नेता नहीं बोला, एक भी नक्शा नहीं, सारे नक्शे, अरे एक बीजेपी का नेता, एक बीजेपी में मर्द नेता होता जो जनता का सेवक होता, जो हिंदुस्तान के तिरंगे को मानता। लेकिन हिंदुस्तान की बीजेपी में कहां गई मर्दानगी, अडवाणी जी की टांगा तोड़ दी तो नहीं बोल को नहीं सके, पहले घर बिठा में लिया, पहले मुंडा को कहता ऑपरेशन करा दियो, कहीं करे मार दिया, और राष्ट्रपति बनवा को नौको आयोग को नहीं बनाया, प्रधानमंत्री बनवा को नौको आयोग को नहीं बनाया। अरे अपने गुरु की तरफ तो देख काका, पूरा देश की हालत खराब है। अडवाणी जी चुपी वास्ते बैठे, आपकी इज्जत ले बैठे, इनके आंख में शर्म नहीं है। अभी दो आदमी राज कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी की भी एंट्री निकल गई, नाम ही नाम को सिंह रह गयो, राज का ही नाथ तुम्हारे समय है, हवा ही निकल गई। हमारी गारंटी है आज की जगह मैं हो तो अब तक भूल चुके हो, तो माता पूरी हो या नक्की हो, क्योंकि मैं को नहीं बचता है, मैं नहीं बचता, मान जाए तो क्या, तो मैं को नहीं बचता कि मैं को नहीं बचता, आज तय बात है माता पूरी पक्की हो। लेकिन ये पहली बार देखा नितिन गडकरी जी कह दिया है मेरी तो राजनीति से संन्यास लेने की इच्छा है। नितिन गडकरी जी लोकसभा में संन्यास लेने की घोषणा करो तो पहले आटे पे टैक्स का विरोध करना नहीं पाप लगेगा, ये ध्यान रखना, पहले आटे पर टैक्स का विरोध करना। आटे पर टैक्स का विरोध नहीं करोगे तो यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही हिंदुस्तान की सड़कें होगी, आर पार का संघर्ष होगा और फिर यातना नहीं फिर रण होगा और संग्राम महाभीषण होगा। और ये सुन लेना, जब संग्राम महाभीषण होगा तो बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी तो ये समझ रही है, मैं तो जचे नहीं दिया कहने के मन कह रहे बीजेपी का भाई साहब हमारे तो वो आएंगे, मैं मामो है काको है काको बाप है, कोई घोषित करो तो एक घोषित करो, मैं तो मामा जी इसलिए कहता हूं कि बाप नहीं हो सकते, तो मामा हो सकते हैं दो चार पांच, बाप तो हिंदुस्तान में एक ही होता। इसलिए मैंने कहा आप ये घोषणा करो कि मोदी जी मेरे को कह रहे आएंगे, हम तो आटा भी छीन लेंगे, दाल भी छीन लेंगे, चावल भी छीन लेंगे, मोदी जी आएंगे हाथ हिलाएंगे वोट ले जाएंगे। मैं क्यों अब की बार जब वो हाथ हिलाएंगे ना तो दूसरा इशारा जनता करेगी कहीं गोली मिले तो मैं कर गोली कर, ये तय बात है, क्योंकि
जनता तैयार बैठी है और आज के ऊपर वाले की मेहरबानी मानना। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता, मेरे पास बीजेपी वाले आए मुझे बोले थे कि आपके देव कई गलियों कांग्रेस पर रोक लगा दी। मैं कल जाना बड़ा बात की सौ ने मारे भागे चावल कांग्रेस पर कोई रोक कुछ और कांवड़ पर कोई रोक नहीं लगाई। जनता की सफाई करवाई, कलेक्टर खुद गया, मैं खुद कांवड़ लेकर चला बीच रस्ते में। उस दिन मैंने चप्पल पहन रखी तो बोला कि मैं चप्पल पहन निकाल दी, मैं चले उभारा पगा भी निकाल दिया, मैं उभारा पगा भी निकाल दी। अब कांवड़ उठाकर आप चल दो तो बीजेपी की दिक्कत है। बीजेपी कहती है हम तो सिर्फ धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, आटा दाल चावल छीन लेंगे, लोग भूख से मरेंगे और हम धर्म के नाम पर वोट लेकर चले जाएंगे। रोटी हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए। और ये ध्यान रखना, राम हो, कृष्ण हो, पैगंबर साहब हो, यीशु मसीह हो, गुरु नानक देव जी हो, महात्मा बुद्ध हो, भगवान महावीर स्वामी हो, कोई भी भूख के नाम पर बंटवारा नहीं करती। और ये भूख के नाम पर बंटवारा बीजेपी ने किया है। अब महंगाई के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया और ये आंदोलन शुरू से महंगाई के विरोध में चल रहा है। बार बार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ये बुलाकर ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं देश का। अरे ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदुस्तान की जनता जब देती है तो छक्कर फाड़ के देती है, लेकिन जब लेने का समय आता है तो झाड़ू बुहार के पार्टी साफ कर देती है। ये देश का मोहताज है, ये किसी को बराबर से नहीं देता। तो मुझे भरोसा है अभी श्वेताश्रा साहब बोलेंगे, उसके बाद हम गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद श्वेताश्रा जी और दिल्ली से जो भी आह्वान हो हम सबको मिलकर संघर्ष में शामिल होना है। मुझे भरोसा है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हम सब मिलकर लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन बीजेपी के सिंह का जवाब देंगे। धन्यवाद। देश एक बहुत समस्या के दौरे पर खड़ा है और कांग्रेस अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आज देश की स्टेबिलिटी के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर चौधरी सुजीत डोटासरा साहब के नेतृत्व में एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ जिससे बेबाकी से अपनी बात रखी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश के खातिर रहू बहाना फंसे, सोनिया सीने में खाकर मुस्कुराना फंसे, आखिरी संसद कदम आगे बढ़ाना फर्ज है, तोड़कर इस सदन का तू अगर आवाज है ये मेरी नहीं पूरे देश की आवाज है। साथियों मिलकर के हम इस संघर्ष को लड़ेंगे और जब भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चौरी चीनी का जब भी ऐलान होगा हम तमाम कांग्रेस एकजुट होकर के आंदोलन में अपनी ताकत देंगे। हमारे आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मानी हेमाराम सिंह चौधरी साहब मौजूद है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव दुर्गाराम जी सिरी साहब मौजूद है, उनका भी स्वागत है। हमारे सचिव डॉक्टर राजेंद्र जी भूड मौजूद है, उनका भी स्वागत है। हमारे विधि प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सुशील जी सादा साहब मौजूद है, उनका भी सम्मान है। कबीराम जी जाट भी हमारे बीच उपस्थित है, चित्तौड़गढ़ डेयरी के चेयरमैन, उनका भी स्वागत है। और अपने जिस शख्सियत को आपके सामने आमंत्रित करता हूँ, अगर कहा जाए कि अच्छे को अच्छे की पहचान होती है मनस्थिति की मौत के समान होती है, अच्छे को अच्छे की पहचान होती है मनस्थिति की मौत के समान होती है। जो हिम्मत हार जाते हैं वो जिंदगी हार जाते हैं, जिन्हें हौसला होता है वो बाजी मार जाते हैं। चौदह स्वागत अध्यक्ष सम्मानी गौरव श्री जो रास्ता सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर से लाइव। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार हेमाराम चौधरी जी, प्रताप सिंह खचरियावास जी, महेश जोशी जी,
प्रसादी लाल जी, सुखराम बिश्नोई जी और तमाम मंत्री साहिबान जो यहाँ पर आए हैं, विधायक हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रकोष्ठ NSUI यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और तमाम वो लोग जो इस वक्त जो अराजकता का माहौल पूरे देश में चल रहा है, जो महंगाई डाइम खाए जा रही है, जो बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, उन सब के खिलाफ में जो आज संघर्ष कर रहे पूरे देश में, वो तमाम लोग, तमाम हमारे साथी, मीडिया के साथी, सबको साथ लेते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आज पूरा देश उत्तेजित है, पूरा देश धरना प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस कमेटी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में प्रदेश स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर और ब्लॉक स्तर के ऊपर तमाम जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इन तीनों मुद्दों के ऊपर, क्योंकि 8 साल से केंद्र में मोदी सरकार का राज है और 8 साल पहले जब देश में UPA का शासन था तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार, जहां जहां भी BJP की स्टेट्स में सरकार थी, NDA के लोग, NDA के नेता एक बात को लेकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार का विरोध करते थे कि महंगाई कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये तीन आरोप लगा करके UPA की सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे। जब NDA की सरकार बनी उससे पहले देश में प्रधानमंत्री के रूप में NDA की तरफ से मोदी जी को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया और घोषित करते ही नरेंद्र मोदी जी ने और NDA ने अपने एजेंडे में प्रमुख बातें जो रखी, वो प्रमुख बातें थी, महंगाई कम करने का वादा था, भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा था।